सावन मास को बहुत ही पवित्र माना गया है। इस माह में भोलेनाथ और नाग पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। सावन माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मौन पंचमी के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व सावन के पांचवें दिन पड़ता है। इस दिन नाग देवता को सूखे फल, खीर आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। कई क्षेत्रों में इसे सांप से जुड़ा हुआ पर्व भी मानते हैं। इस दिन के देवता शेषनाग हैं, इसलिए इस दिन भोलेनाथ के साथ साथ शेषनाग की पूजा करना शुभ माना जाता है। आपको इस तिथि के दिन की जाने वाली विशेष पूजा और महत्व के बारे में हम आपको बताते हैं। भारत में कुछ जगहों पर सावन माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी को मौना पंचमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की आराधना कर मौन व्रत रखने का महत्व है। मौन का अर्थ है चुप रहना या बात न करना, इसलिए ये तिथि मौना पंचमी के नाम से भी जानी जाती है और इस दिन नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में नव विवाहिताओं के लिए ये दिन विशेष महत्वपूर्ण होता है। दरअसल आज ही के दिन से नव विवाहिताएं 15 दिन तक व्रत रखती हैं और हर दिन नाग देवता की पूजा करती हैं। मौना पंचमी के दिन विधि विधान से व्रत रखते हुए पूजा और कथा सुनने से सुहागन महिलाओं के जीवन में किसी तरह की बाधाएं नहीं आती हैं। आपको बता दें कि महिलाएं परिवार में एक अहम भूमिका निभाती हैं। नाग पंचमी पर नवविवाहिताओं का मौन व्रत रखने से न सिर्फ व्यक्ति विशेष बल्कि पूरे परिवार की मानसिक, वैचारिक और शारीरिक हिंसा को रोकने का काम करता है। मौन व्रत न केवल व्यक्ति को मानसिक रूप से संयम और धैर्य रखना सिखाता है बल्कि वो शारीरिक ऊर्जा के नुकसान से भी बचता है। मौन धारण करने से मन मस्तिष्क अहिंसा के मार्ग पर चलने लगता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।